अगर आपसे पूछा जाए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किस जानवर के बच्चे असुरक्षित हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? हिरण, खरगोश, जेब्रा या फिर बंदर? आपके जवाब चाहे जो भी हों और आपका सोचना चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जंगल की इस दुनिया में सबसे ज़्यादा असुरक्षित बच्चे किसी जानवर के हैं, तो वे हैं शेर के। क्या कहा? नहीं, मुझे पता था आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। और शेरों के बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा किसी और से नहीं बल्कि अपनी ही प्रजाति से होता है। शेर के बच्चों को सबसे ज़्यादा मारने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वह शेर ही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जंगल में शेर झुंड बनाकर रहते हैं और शेरों के इस झुंड को प्राइड कहते हैं। प्राइड का मुखिया एक नर शेर होता है और इस नर शेर की कई रानियाँ होती हैं, मतलब कई शेरनियाँ होती हैं। जिस तरह मनुष्यों के बीच जमीनों को लेकर लड़ाई चलती रहती है या फिर राज करने को लेकर लड़ाई चलती रहती है, उसी प्रकार की लड़ाई शेरों के बीच में भी जंगल में चलती रहती है। जब कोई शेर अपने जीवन के उस दौर में होता है जब वह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और फुर्तीला होता है, उसकी ताकत के आगे दूसरा कोई शेर या जानवर टिक ही नहीं पाता, तब तक उस शेर का सिंहासन सुरक्षित होता है और उसका प्राइड और साथ ही साथ उसके छोटे बच्चे सुरक्षित भी रहते हैं। लेकिन जैसे ही इस प्राइड को संभालने वाला शेर कमज़ोर हो जाता है, तो उसका राज कोई दूसरा ताकतवर शेर समाप्त कर सकता है। दरअसल शेरों की दुनिया हमारी दुनिया से काफ़ी अलग है। इंसानों में जहां बच्चों के जवान होने पर इंसान अपनी प्रॉपर्टी या जीवन भर की कमाई अपने बच्चों को सौंप देता है, शेरों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसी शेर के बच्चे जैसे ही थोड़े बड़े होने लगते हैं और उनके पिता को उनकी गतिविधियों पर शक होने लगता है कि कहीं आने वाले समय पर ये बच्चे उसे चुनौती न देने लगे, तो उनका पिता ही उन्हें इस प्राइड से खदेड़ देता है। और शेरों के प्राइड में ज़्यादातर ऐसा ही देखने को मिलता है। प्राइड से निकालकर बाहर किए गए इन बच्चों को, जो हालांकि अपने आप को संभालने लायक हो चुके होते हैं, अब खानाबदोश बनकर जीना पड़ता है। ये अब किसी प्राइड का हिस्सा नहीं होते, इन्हें अपना शिकार भी खुद ही करना पड़ता है और अपने आप को दूसरे जंगली जानवरों या फिर शेरों से भी बचाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी वयस्क शेर किसी कम उम्र के शेर को मार सकता है, तो अपने आप को शेरों से बचाने की भी चुनौती इन पर होती है। लेकिन कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि प्राइड का मुखिया नर शेर अपने ही जवान होते बच्चों को मार देता है, और इसका भी वही कारण होता है कि कहीं ये बच्चे ही मुझे चुनौती न देने लगे या फिर मेरे साम्राज्य के लिए खतरा न बन जाए। लेकिन इसका एक दूसरा कारण भी होता है, क्योंकि शेर को पता होता है कि अब उसके दूसरे बच्चे भी होंगे और ये उनके लिए खतरा बन सकते हैं, और इसीलिए शेर कई बार अपने जवान होते हुए बच्चों को भी मौत के घाट उतार देते हैं। ये सुनने में बड़ा ही दुखदायी लगता है, आखिर कोई शेर ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन ये सच है। शेर अपने इलाके की निगरानी करते रहते हैं और पेशाब या मल आदि के द्वारा अपने इलाके को चिन्हित करते रहते हैं, ताकि उनके इलाके में आने वाले किसी भी शेर को पता चल सके कि ये इलाका पहले से ही किसी शेर का है। लेकिन कभी कभी खानाबदोश शेर प्राइड के मुखिया शेर को चुनौती पेश कर देता है। अपने बच्चों और अपने प्राइड की सुरक्षा के लिए मुखिया शेर को इस शेर की चुनौती को स्वीकार करना पड़ता है, और फिर दो शेरों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। किसी भी प्राइड के छोटे बच्चों का भविष्य इस प्राइड के मुखिया नर शेर की जीत पर टिका होता है। प्राइड के मुखिया नर शेर की हार का मतलब होता है उसकी मौत, या फिर उसे इस प्राइड और इस इलाके को छोड़कर भागना पड़ता है। यानी हारने वाले इस मुखिया शेर को अपनी सभी रानियों और बच्चों को त्यागना पड़ता है, अगर इस लड़ाई में उसकी मौत ना हो तो। कई बार इन लड़ाइयों में घायल होने के कारण बाद में इन्फेक्शन से भी शेरों की मौत हो जाती है, और ये किसी भी शेर के लिए बड़े ही दुखद पल होते हैं। लेकिन सबसे बुरा होता है प्राइड के छोटे बच्चों के साथ। नया शेर जो प्राइड का नया मुखिया बनता है, वह सबसे पहले हारने वाले शेर के छोटे बच्चों को मार देता है, जबकि जो बड़े होते हैं वे भागने में सफल हो जाते हैं। अफसोस, किसी प्राइड के मुखिया शेर के हारने की सबसे बड़ी कीमत तो इन गरीब बच्चों को ही चुकानी पड़ती है, जिनका कोई दोष भी नहीं होता। इन्हें तो जीने का असली मतलब भी नहीं पता होता और इस छोटी उम्र में ये किसी के लिए खतरा भी नहीं होते। लेकिन जंगल का कानून ही कुछ ऐसा है, इन बेरहम शिकारियों के अंदर तो रहम होता ही नहीं।
मेरे ख्याल से तो रहम जैसी कोई चीज़ होती भी है इन्हें पता भी नहीं होगा, और जब किसी बात का उन्हें पता ही नहीं तो उसका जिक्र करने का फ़ायदा ही क्या। शेरनी भी यहाँ अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। अगर उन्हें प्राइड में बने रहना है तो वे भी इस शेर का प्रतिरोध नहीं कर सकती, और वैसे भी कोई शेरनी शेर का ताकत में मुकाबला कर ही नहीं सकती। नए शेर को पता होता है कि जब तक वह इन शेरनियों के बच्चों को मारेगा नहीं तब तक इस झुंड की शेरनियाँ उसके साथ मिलन करने के लिए तैयार होंगी ही नहीं। अगर कोई शेरनी अपने बच्चों की जान बचाने की कोशिश करती है तो उसको वहाँ से प्राइड को छोड़कर ही भागना पड़ता है, लेकिन ऐसा साहसिक फैसला बहुत कम शेरनियाँ ही ले पाती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है आगे किसी भी प्राइड में उनका शामिल होना बड़ा ही जोखिम भरा है, और वैसे भी अपने छोटे बच्चों को लेकर वे किसी दूसरे प्राइड में शामिल हो ही नहीं सकती, क्योंकि दूसरे प्राइड की शेरनियाँ ना तो उसे बर्दाश्त कर पाएंगी और ना ही उसके बच्चों को बर्दाश्त कर पाएंगी। अगर किसी शेरनी को अपने बच्चों का जीवन बचाना है तो उसे उन्हें पालने के लिए अकेले ही रहना पड़ेगा। इनकी मुश्किलें यहीं पर ख़त्म नहीं होती, जंगल के दूसरे परभक्षी भी शेर के बच्चों को मार डालने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, और स्पॉटेड हाइना इसमें सबसे आगे होते हैं। अफ्रीका के जंगलों में शेरों का अगर कोई सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी है तो वह है स्पॉटेड हाइना। हाइना एक मौका प्रस्त जानवर है, और इसे जैसे ही मौका मिले यह किसी भी जानवर का शिकार करने से पीछे न हटे। अफ्रीका के सबसे बड़े पेटू परभक्षी होते हैं हाइना। इनकी भूख तो कभी ख़त्म होती ही नहीं, इसलिए किसी शेर का बच्चा तो इनके लिए बहुत छोटा और आसान शिकार है। जब तक शेर के बच्चे प्राइड के अंदर होते हैं इन जानवरों से सुरक्षित रहते हैं। कभी कभी तो बबून, जो बंदरों की एक बड़ी और मांसाहारी प्रजाति है, भी इनके बच्चों को चुरा लेते हैं, क्योंकि शेर अक्सर बबून का शिकार करते हैं तो मौका मिलते ही बबून भी इनके बच्चों को चुरा लेते हैं और मार भी देते हैं। यही नहीं, मौका मिलने पर जंगली कुत्ते या चीते भी इनके बच्चों को मार देते हैं, या फिर यूं कहें कि उनका शिकार कर लेते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, शेर के सिर्फ 17% बच्चे ही युवावस्था तक पहुँच पाते हैं, बाकी को तो उनके बचपन में ही मार दिया जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि शेर के बच्चे दुनिया के सबसे असुरक्षित बच्चे क्यों कहे जा सकते हैं। शेर के छोटे और प्यारे से दिखने वाले ये बच्चे इनके बचपन में ही मार दिए जाते हैं। इनमें से बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो जवानी की दहलीज पर कदम रख पाते हैं, और जो जवानी की दहलीज पर कदम रख देते हैं उनके लिए सर्वाइव करना कोई बड़ी बात नहीं होती। आज दुनिया में शेरों की बहुत कम संख्या ही बची हुई है। भारत में गुजरात या फिर अफ्रीका के सवाना के मैदानों में ही शेरों को देखा जा सकता है। ये शानदार शिकारी जानवर जो भले ही खूंखार हो लेकिन दिखने में बड़ा ही खूबसूरत और आकर्षक लगता है, लेकिन आज ये विलुप्त होने के कगार पर हैं। इन्हें बचाने के इतने प्रयास करने के बावजूद इनकी कम संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़ पाएगी, क्योंकि प्रकृति में हर जीव का विशेष महत्व है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।